हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं नहा धोकर रेडी हो गया, अभी मंदिर में से भी आ गया और फटाफट सारा काम कर लिया भाई, क्योंकि पहले एक बार स्टैंड पर हुआ क्या है, मैं और रोहित भाई जाकर मंदिर में खेत में सारा काम था और मेरा फ़ोन में बैटरी भी नहीं, तो मैंने चार्ज ला दिया। मैं सारा काम करके फिर ही व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। तो सारा व्लॉग स्टार्ट हो गया आज अपना फास्ट। तो अभी तो कुछ नहीं, अभी काफ़ी अच्छी मॉर्निंग हुई है पर ठंडा मौसम नहीं, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा आज देख सकते हो, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही अच्छी तरह। पर कोई बात नहीं, आज का प्लान अब थोड़ी देर में जाएंगे रोहित के यार, रोहित में यार सुकाड़ा, फिर खेलेंगे, जो खेलेंगे बैठेंगे बातें करेंगे, तो कुछ भी ला तो चलते हैं वहीं पर। चलो सो गाइस, मैं ऊपर आ गया और बारी बारी कर कर आ रहे यार सुकाड़ा और रोहित तीनों। यो अरसु आ गया भाई, ताली ना ले आके, मैं तो मैं तू ले गया, मैं ना ले आया ताली। ओ काला, अरे क्या कर रहा है, के दूध पियो है तू है? तो भाई काला घर तक रोटी ले आवे, पड़ोसिया का खावे। पानी भी गई थी अंदर तक आ धरे हड़ा, आ जा काला तार ले तेरी सने में पानी पी ले भाई। हां काला रोटियां लगो कदे खा ले। कोई ना लेवा काला तेरी रोटियां ने, खोल काला, काला खोल खिड़की, खोल काला, कहता है गर्मी ना लाग दी तने भाई चल भाई खेल गई ठाडी करेंगे भाई, फिर देखा क्या करांगे। सो गाइस, शाम का टाइम हो गया है, छोटे और रोहित भी आ गए हैं, तो अब घूम फिर कर आते हैं। गाम तो यार गणाए हैं आज फिलहाल, परस तो बंद है, आई थिंक क्या पक्का है बंद है यार, परस तो बंद है। किस जाओगे इधर क्या ना है, चल तो भाई। सो गाइस, मैं घूम फिर कर आ गया, नहा धोकर रेडी हो गया हूँ और अब करते हैं पूजा। लाइट गई हुई है बिल्कुल भी, लाइट नहीं है, टूरिस्ट में इन्वेटर का भी नहीं है, तो इसलिए लाइट नहीं है यहाँ पर। तो फिर मैं फोन की टॉर्च से जोत लगाते हैं। जय माता दी, जय शिव शंभू। चलो पूजा कर ली है और आज अपना व्रत, तो अपने कुछ करना नहीं है, तो मैं आज आपको अपने घर के भाई एंटिक दिखाता हूँ, जो हम छोटे छोटे बच्चे थे जब हमारा घर बना था ये ऊपर से। यार हट जा यार तू, तो तब लाए थे, मतलब ये ना मैं से सोचता था मैं इन चीज़ की ये ऐसी 100 पीस करने के लिए या फिर रखने के लिए। फिर मैंने एक दिन, कई साल पहले की बात, मेरा भी याद आई क्योंकि मैं एक दिन का भाई थोड़ा मतलब भी होता, वैसे 100 में भी अच्छे लगते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, मतलब एक वाइब्स ही अलग आती है वो घर में रखने से, तो बहुत ज़्यादा एंटिक पीस, मतलब पुराने ज़माने के, जो जैसे राजा महाराजा पहले रखते थे ना उस ज़माने के, तो दिखाता हूँ आपको। चलो तो भाई, ये रही हमारे घर की एंटिक पीस कुछ पीछे है, और आपने कई बार देखो वहाँ पर रखे हुए देखे हो ना, मैंने वहीं से उतारे, आज भी मैं दिखाने का मन करके उन लोगों में। तो भाई देखो, ये है एक बाज का जोड़ा, मैं कहते भाई बाज पंछियों का राजा होता है जो कुछ भी, तो काफ़ी अच्छी बात, मतलब एक बाज जैसी वाइब भी आती है और काफ़ी अच्छे लगते हैं। देखो ये यहाँ पर एक घर पर रखे हुए दो बाज, जैसे पहले पुरानी फिल्मों में देखा हुआ आपने ऐसे रखे रहते थे ना, तो मैंने कई बार देखा ये हमारे घर में ही, मैंने कई बार देखे ये और कहीं पर ज़्यादा नहीं देखे मैंने, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत कम देखे और घर देखे ही नहीं है, बल्कि हमारे घर पर ही देखे मैंने तो। और ये दो हंस के जोड़े बिल्कुल लवली लवली, इनकी ऐसे गिर गया ऐसे, इनकी मुंडी बोझ दो देखो ये रे, काफ़ी अच्छे लगते हैं, मतलब यार मैं और मीनू ना छोटे थे इनके साथ खेलते भी थे, इन के साथ तो खेलते नहीं थे, खेलते थे इनके साथ। देखो इसकी आप देख सकते, इससे ना
अगर कहे तो एक मायने में मर्डर कर सकते हैं हम, इतनी पैनी चोच है काट की। देखो भाई ये रे पंछियों के दो दो जोड़े, ये रे शेव ऊपर, ये रे हंस, ये रे देखो भाई। अब आप खुद ही बताओ भाई, है नहीं पुराने जमाने की? देखो एक बार मैं पूरा सेट कर देता हूँ फिर से इनको ऐसे, एक सेकंड रुको। तो भाई आप बताओ, देखो बिल्कुल फैमिली लग रही है ना, छोटा है ये इससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये फादर मदर और चाइल्ड, और वे भी वैसे ही हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और यहाँ पर देखो लग नहीं रहे भाई बिल्कुल एंटी में कोई ऐसे जो भाई ये तो दिखा रहा कोई मजाक बनाए, पर मजाक नहीं भाई हकीकत में, इसको ऐसे दीवार में जो जहाँ पर टैल नहीं लगी वहाँ पर बिल्कुल अच्छा लगेगा ये तो, काफ़ी अच्छे लगे। मतलब मैं ना सोचता हूँ इनको वाइब भी देखता हूँ इनके साथ, इसको देख कर मुझे सबसे ज़्यादा वाइब्स अच्छी आती हैं, बाज को देख कर ये दो हंस के जोड़े कितने अच्छे लग रहे हैं ना बत्तख वाले, मतलब यार सही में दैट इट्स ट्रू, एक अलग वाइब भी होता बिल्कुल, मतलब एंटिक पीस राजा महाराजाओं के ज़माने का। जैसे अब देखो यहाँ से देखो, चलो एक इनका छोटा शूट करके दिखाता हूँ मैं, चलो भाई आपको कैसे लगे ये? काफ़ी अच्छे लगे होंगे, मतलब बहुत ही अच्छी वाइब्स आपको भी आया होगा, बल्कि सबको ये देख कर मजा आया। मुझे दे दो, मैं तो एक बंदे को मारा ना मुझे, इतनी ज़्यादा तेज चोच है इनकी, देखो बिल्कुल तेज चोच है, तो देखो कितने अच्छे हैं। तो फिलहाल इतना ही, सो गाइस इतना ही आपको दिखा दिया मैंने, बहुत ही अच्छे लग रहे, आपको भी कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छे लगे या अभी कैसे लगे, अच्छे लगे होंगे बल्कि ख़राब तो लगे नहीं होंगे, क्योंकि मुझे इतना पता सभी को अच्छे लगते, जो भी घर पर आता वो पूछता कहाँ से लाए भाई ये, हम फिरोजपुर रहते थे ना पहले जब पापा के साथ, पापा आर्मी में थे, जब आर्मी वाले बंदे अपनी घर वालों को साथ में रखते जब रहते ना वहाँ से लिए थे, ये काफ़ी अच्छे लग रहे, देखो कितने अच्छे लग रहे, तो ऐसे ही लिए थे, मतलब घर पर रखने सभी पूछते कहाँ से लाए, काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो ऐसे ही, तो फिर हम तो ऐसे ऐसे खेलते थे इससे, मैं और मीनू तो मट रहे थे ऐसे मारते थे और रोने लग जाती थी फिर मीनू, तो काफ़ी मज़े आते हैं इससे, काफ़ी इन्जॉय करते थे हम इनको भी, और फिलहाल फिर बच्चे थे अब ये यहाँ पर रख देते हैं शो के लिए, काफ़ी पुराने और वैसे ही बिल्कुल बनावट देखो भी काट, और ये काट से बनाते, पहले ज़माने में इतनी काम मशीन थी 15-20 साल पहले की, इतनी अच्छी काट से ट्राई कर देते हैं, काफ़ी अच्छी है। तो इतना ही, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा, और व्लॉग भी ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, और व्लॉग भी बताना कैसा लगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा मुझे पता आप सभी को। तो फिलहाल इतना ही, आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, सो इन्जॉय दैट डे, एंड फिलहाल अपना अपना तो व्रत था, तो फिलहाल अपना दूध पीते हैं, एडिटिंग करते हैं, फिर सोते हैं, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।